हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस तरह का वाटर पंप बनाएंगे अपने शोपीस के लिए, वाटरफॉल के लिए। तो फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए हमें एक मोटर की ज़रूरत होगी, जो कि 12 वोल्ट डीसी मोटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके अलावा हमने यहाँ पर एक पाइप का इस्तेमाल किया है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट पाइप है। अगर आप चाहें तो पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये मोटर आपकी इसके अंदर चली जाए, अगर ना जाए तो आपको इसके ऊपर ही चिपकाना होगा मोटर को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर अंदर नहीं जा रही है, तो हम इसको ऊपर ही चिपकाएंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, अब मोटर की हम एक ब्लेड बनाएंगे और उसके ऊपर का पंखा बनाएंगे जो पानी को खींचेगा। तो हम इस तरह से लगाएंगे कि इस पाइप के अंदर पंखा आराम से घूम जाए। तो इसके लिए हमें एक प्लेट काटनी होगी। तो फ्रेंड्स, हम इस नाप की प्लेट काटेंगे कि इसके अंदर आराम से घूमे। तो फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा है इसका, तो ये आराम से चला जा रहा है। तो इसी नाप का हम पंखा बनाएंगे जो कि पानी खींचेगा। और एक उससे थोड़ी सी बड़ी प्लेट बनाएंगे जो कि हमारी मोटर में अंदर पानी जाने से रोकेगी। तो हमने यहाँ पर इस तरह की प्लास्टिक शीट काट ली है और आपको जल्दी से अब दिखा देते हैं कि किस तरह से हमारी ये प्लेट और पंखुड़ी बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो काट लिए हैं और इस तरह से हम होल करेंगे और जो हमें मोटर में वो प्लेट लगानी है उसमें हम थोड़ा सा बड़ा होल करेंगे, क्योंकि ऊपर इसके अच्छे से ये चिपक जाए। हमने यहाँ पे होल करने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम इसको चिपकाएंगे और अब हम बनाएंगे इस प्लेट से पंखुड़ी बनाएंगे, जो कि पंखा होगा हमारा जो पानी खींचेगा। और यहाँ पे हम चार पंखुड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से आपको निशान लगाने लेने हैं और निशान लगाने के बाद आपको हल्के से कैंची से इस तरह से काट लेने होंगे। और ध्यान रहे, आपको पूरा नहीं काटना है, थोड़े थोड़े से ही काटने हैं, क्योंकि बीच में सुराग है जो आपका, वो मोटर में लगेगा। तो इस तरह से आपको पंखे की शेप में इसको बना लेना है। आपको चारों पंखुड़ी की एक एक हिस्से को उठा देना होगा और एक हिस्से को इसी तरह फ्लैट छोड़ देना होगा। आप देख सकते हैं हम किस तरह से मोड़ रहे हैं, आपको इसी तरह से बना लेना होगा। और आप चाहें तो यहाँ पे तीन भी पंखुड़े बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चार पंखे बनाए हैं और इसको हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम पाइप काटेंगे जिसके अंदर हम इस तरह से मोटर को फिक्स करेंगे। तो हमें पाइप उतनी रखनी है जितने में आराम से मोटर घूम जा सके। और उसके अगले हिस्से को हम बंद कर देंगे एक दूसरी प्लेट काट के। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं इस तरह से ग्लूगन हम चिपका के, और ये जो हमने प्लेट बनाई है इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। ये थोड़ा टाइट ही चिपकाइएगा आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर पानी जाने के बाद दिक्कत हो जाएगी। और आपको इस तरह से एक प्लेट काट लेनी है। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो आप प्लेट भी काट के लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है और आपको एक बीच में सुराख कर लेना है। और इस तरह से आपको पहले तो ग्लूगन से आपको कुछ इस तरह से चिपकाना होगा कि अंदर पंखा जाम ना हो और आपका आराम से अंदर घूमे। और हमें अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से सुराख कर देना होगा, जहाँ पे हमारा पंखा है बस उसके ऊपर ही हमें सुराख करना है, जहाँ से हमारा पानी निकलेगा। हमारा पानी यहाँ से निकलेगा, तो हमने यहाँ पे एक सुराख कर दिया है। और इस सुराख के ऊपर हम इस तरह से एक प्लास्टिक की पाइप लगा देंगे। हमने इस पाइप को ग्लूगन से जोड़ दिया है और उसका सुराख थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अंदर ग्लूगन थोड़ी सी चली गई थी। और अब मोटर के ऊपर हम इस तरह से ग्लूगन लगा देंगे और इस पंखे को इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मोटर बनकर रेडी हो चुका है और अब इसको हम कवर कर देंगे एम सील से। तो यहाँ पे आपको ये एम सील 10 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी आराम से। और जो हमने मोटर यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है 30 रुपये का, ये आपको मार्केट में 20 से 30 रुपये की प्राइस में आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सारा कवर कर देना, बस उसके पीछे की जो टिप होती है वो छोड़ देनी है। और यहाँ पे हम इसमें वायर के कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूगन लगा देंगे, जिससे कि हमारे मोटर के अंदर पानी ना जाए और मोटर हमारी ख़राब ना हो।
चलिए फ्रेंड्स अब इस मोटर को टेस्ट करते हैं कि ये पानी दे रही कि नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर अच्छे से काम कर रही है और यहाँ पे हमने 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई का यूज़ किया है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से मोटर हमारी काम कर रही है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।